हे नमस्ते दोस्तों, मैं अमित आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ऑलवेज न्यू की एक और फ्रेश वीडियो में। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे टॉप 10 हॉरर मूवीज़ के बारे में। सो गाइस, अगर आपको हॉरर मूवी देखना पसंद है तो इस वीडियो पर आगे तक बने रहना। और आज की इस वीडियो में मैं आपको जितनी भी 10 फिल्मों के बारे में बताऊंगा, ये 10 की 10 हिंदी में डब हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है, अगर आप Amazon Prime Video पर मूवी देखना पसंद करते हो तो ये 10 की 10 फिल्में आपको Amazon Prime पर भी मिल जाएंगी। तो वीडियो पर आगे तक बने रहना। सो विदाउट एनी टाइम लेट्स गो स्टार्टेड। इस लिस्ट में 10वें नंबर पर आती है इट। दोस्तों, ये मूवी 2017 में आई थी। अगर आपको हॉरर मूवी देखना पसंद है तो आप एक बार इस मूवी को जरूर देखना। इस मूवी को लोगों ने काफ़ी पसंद किया है। एक हॉरर थ्रिलर मूवी है। इस मूवी का एक और सिक्वल है इट चैप्टर 2। दोस्तों, इट मूवी में एक जोकर होता है जो हर 27 साल बाद आता है और जितने बच्चे हो सके उतने बच्चे को पकड़ कर ले जाता है। अब इस फिल्म में 7 हेल्पलेस बच्चे उस जोकर से कैसे बचते हैं, ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। इस मूवी का बजट था 3.5 करोड़ डॉलर। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्ट किए थे 70.18 करोड़ डॉलर। इस लिस्ट में 9वें नंबर पर आती है दी लॉस। दोस्तों, ये मूवी 2019 में आई थी। एक हॉरर थ्रिलर मूवी है। इस मूवी में एक फैमिली सर्दियों की छुट्टी में एक कैबिन पर जाते हैं, लेकिन बच्चों के पिता को अपनी नई प्रेमिका ग्रेग की देखभाल में अपने 2 बच्चों को छोड़कर अचानक काम पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसके बाद बच्चे और उसकी GF लॉस में फंस जाते हैं। तो वो किस वजह से फंस जाते हैं, ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। इस लिस्ट में 8वें नंबर पर आती है दी ग्रज। दोस्तों, मूवी 2020 में आई थी। एक हॉरर मिस्ट्री मूवी है। इस मूवी के डायरेक्टर है निकोलस पेज। दोस्तों, इस मूवी में एक डिटेक्टिव को एक हत्या की जांच सौंपी जाती है और उसे पता चलता है कि हत्या स्थल एक शराबित हाउस में है। बाद में वे अपने आप को और अपने बेटे को बचाने के लिए उस शराब को तोड़ने का फैसला करती है। तो क्या वह उस शराब को तोड़ पाती है नहीं, ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। इस लिस्ट में 7वें नंबर पर आती है दी कंज्यूरिंग 2। दोस्तों, ये मूवी 2016 में आई थी। दी कंज्यूरिंग 2 दी कंज्यूरिंग मूवी सीरीज का सेकंड पार्ट है। इस मूवी के डायरेक्टर हैं जेम्स वान। एक हॉरर थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के कास्ट में है पैट्रिक विल्सन। दोस्तों, इस मूवी का बजट था 4 करोड़ डॉलर और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अर्न किए थे 32.04 करोड़ डॉलर। दोस्तों, अगर आपको एक हॉरर फिल्म देखनी है तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा आप एक बारी इस फिल्म को जरूर देखना। इस लिस्ट में 6 नंबर पर आती है एनाबेल क्रिएशन। दोस्तों, ये मूवी 2017 में आई थी। मेरे हिसाब से अब तक ना तो इससे बेस्ट कोई हॉरर फिल्म बनी है और ना ही आगे बनेगी, और हो ना हो आपने एक बार तो इस फिल्म को जरूर देखा होगा। और दोस्तों, पर्सनली बताऊं तो ये मेरी फेवरेट मूवी में से एक है। एनाबेल क्रिएशन 2014 में आई एनाबेल मूवी का स्क्वल है। इस मूवी की स्टोरी एक एनाबेल नाम की डोल के ऊपर है। इस मूवी का बजट था 1.5 करोड़ डॉलर और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अर्न किए थे 30.65 करोड़ डॉलर। इस लिस्ट में 5वें नंबर पर आती है दी कंज्यूरिंग। दोस्तों, ये मूवी 2013 में आई थी। एक हॉरर थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के डायरेक्टर हैं जेम्स वान और इस मूवी की कास्ट में है पैट्रिक विल्सन। इस मूवी में पेरन परिवार एक फार्म हाउस में जाते हैं, लेकिन वहां उन्हें दुष्ट आत्माएं सताने लगती हैं। वे दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाने के लिए वे एड और लॉरेन की मदद लेते हैं। तो अब क्या एड और लॉरेन उनकी मदद कर पाते या नहीं, ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। इस लिस्ट में 4वें नंबर पर आती है एविल डेड। दोस्तों, ये मूवी 2013 में आई थी। एविल डेड मोस्ट पॉपुलर मूवी सीरीज है जिसमें टोटल 4 मूवी हैं, और हम बात कर रहे हैं 4th मूवी की जो कि 2013 में आई थी। दोस्तों, ये एक ब्लडी स्लैशर मूवी है। अगर आपको ब्लडी स्लैशर मूवी देखना पसंद है तो आप एक बार इस मूवी को जरूर देखना। इस मूवी का बजट था 1.7 करोड़ डॉलर और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्ट किए थे 9.75 करोड़ डॉलर। इस मूवी के कास्ट में है जेन लेवी जो कि इस मूवी में मिया की भूमिका में है। इस लिस्ट में 3रे नंबर पर आती है लाइट्स आउट। दोस्तों, ये मूवी 2016 में आई थी। एक हॉरर थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के कास्ट में है टेरेसा पालमेर जो कि इस मूवी में रेबेका की भूमिका में है। इस मूवी में अपने सौतेले पिता की हत्या के बाद रेबेका और उसका प्रेमी उसकी माँ और उसके इमेजिनरी दोस्त डायना के बीच संबंध की जाँच करने की कोशिश करते हैं। इस मूवी का बजट था 49 लाख डॉलर और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्ट किए थे 14.89 करोड़ डॉलर। इस लिस्ट में 2रे नंबर पर आती है मम्मा। दोस्तों, ये मूवी 2013 में आई थी। एक हॉरर थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के कास्ट में है जेसिका चेस्टेन जो कि इस मूवी में एनाबेल की भूमिका में है। अपने माता पिता की मृत्यु के बाद 2 युवा लड़कियों को एक घर में निवास करने के लिए मजबूर किया जाता है।
लेकिन वो घर एक मामूली घर नहीं रहता है, तो उस घर में ऐसा क्या रहता है ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। इस लिस्ट में पहले नंबर पर आती है एनाबेल कम्स होम। दोस्तों ये मूवी 2019 में आई थी। एनाबेल कम्स होम एनाबेल मूवी सीरीज की थर्ड मूवी है। इस मूवी का बजट था $27 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने अर्न किए थे $23.13 करोड़। सो गाइज, वैसे तो आपने हो ना हो इस फिल्म को देख ही लिया होगा, लेकिन अभी तक कुछ लोगों ने इस फिल्म को नहीं देखा है, तो यार किसका इंतजार कर रहे हो, अभी जाओ और देखो इस फिल्म को। और मैं आपको बता दूँ, ये 10 की 10 फिल्म आपको हिंदी में मिल जाएंगी और Amazon Prime पर भी ये आपको मिल जाएंगी। तो अगर आपको ये मूवी वहाँ से जाकर देखनी है तो आप देख सकते हो। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए यहाँ पर मूवी से और सेलिब्रिटी से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।